रेवाड़ी गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से रेवाड़ी में विशेष बातचीत की है। हमारे सहयोगी राजेश राज से विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से जनता की आकांक्षाएं तो पूरी होंगी ही, और साथ ही एम्स की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने से आसपास के कई राज्यों को एक बड़ा फायदा मिलेगा। गुड़गांव के जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो अभी कार्यक्रम स्थल पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किन किन परियोजनाओं का तोहफा उन्हें मिल रहा है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं। सर, कहा जा रहा है कि बहुप्रतीक्षित जो एम्स है, बहुत लंबे समय से ये मांग थी आपकी कंस्टिट्यूंसी को देने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सर, 18 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कुरुक्षेत्र की रैली के अंदर इस एम्स का जिक्र किया था। अब 24 के अंदर ये इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री 16 तारीख को करने आ रहे हैं। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होगा, यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज होगा, ओपीडी की व्यवस्था होगी और 700 बेड का हॉस्पिटल होगा। और रेलवे की किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री? गाँव के अंदर जो ओल्ड गुड़गांव है वो रेलवे या मेट्रो रेल से कनेक्टेड नहीं था, तो आज से 5-6 महीना पहले केंद्रीय कैबिनेट ने 5,500 करोड़ से मेट्रो मंजूर करी थी, उसका भी शिलान्यास 16 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ ही से रखने जा रहे हैं। एक रेलगाड़ी चालू होगी रोहतक से हांसी, उसका भी यहीं पर शिलान्यास रखा जाएगा, यहीं से चालू करा जाएगा। तो ये मतलब माना जाए कि प्रधानमंत्री के आगमन से आपके कंस्टिट्यूएंसी को काफ़ी फायदा हो रहा है और लोग जो है पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, इसकी कोई शक की बात नहीं है। लोगों के बहुत अरसे का इंतज़ार 16 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुड़गांव के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जिनको पूरा यकीन है कि आने वाले 2 वर्षों में जिस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वह 2 वर्षों में बनकर तैयार होगा और इस इलाके के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। और सिर्फ यह इलाका नहीं बल्कि राजस्थान और जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं उन तमाम लोगों को इसका बेहद लाभ मिलेगा। कैमरामैन शारदा के साथ रेवाड़ी से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।